и используя наши с вами сотрудничество. Мы будем и дальше работать в этом направлении и будем только укреплять наше сотрудничество. Excellency Fuels की चुनौती भी पूर्व विश्व के सामने बहुत बड़ी गहरी थी. ऐसे समय आपके सहयोग के कारण भारत में हम सामान्य नागरिक को पेट्रोल डीजल की आवश्यकताओं में कठिनाइयों से हम बचा पाए. इतना ही नहीं, विश्व को ये बात स्वीकार करनी होगी कि भारत और रूस का फ्यूल के संबंध में जो एग्रीमेंट रहा उसने दुनिया को भी एक प्रकार से मार्केट में स्टेबिलिटी देने का इनडायरेक्टली बहुत बड़ा काम किया है. Весь мир сталкивается с кризисом в сфере топлива и энергии, но благодаря нашему сотрудничеству мы смогли избежать всяких трудностей для простых граждан Индии. Мы обеспечивали бензином, дизельным топливом и так далее. Поэтому весь мир должен признать, что благодаря индийско-российскому сотрудничеству в сфере энергетики мы обеспечивали стабильность на мировом рынке. दुनिया के अनेक देशों के नागरिकों को पेट्रोल डीजल के कारण बहुत बड़े संकट से गुजरना पड़ा और आज भी गुजरना पड़ रहा है, लेकिन हमारे उस कारोबार के कारण हम भारत के नागरिकों को पेट्रोल डीजल के इस मार से बचा पाए, इन्फ्लेशन से बचा पाए और स्टेबिलिटी भी ला पाए. इसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं. Во многих странах мира люди сталкиваются с проблемами с топливом, будто бензин, дизель, но благодаря нашей с вами договоренностям в этой сфере, в сфере энергетики, мы могли обеспечить наших граждан этим топливом, и не только обеспечили, мы могли держать инфляцию под контролем и также обеспечили стабильность. За это я вам весьма признателен. Эк митра ке руп ме апне анек फोरम में पब्लिकली भारत का जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है उसकी भरपूर तारीफ की. और तारीफ की ही कितना नहीं, आपने भारत में मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में कदम उठाए और भारत के मैन्युफैक्चर में आपकी भागीदारी के कारण भारत के नौजवानों के लिए रोजगार के अनेक नए अवसर बने हैं और उसके लिए अनेक क्षेत्रों में विकास के भी एक नए आयाम जुड़े हैं. और मैं मानता हूं कि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में आने वाले दिनों में, क्योंकि उसके परिणाम बहुत अच्छे मिल रहे हैं और मजबूती मिलेगी ऐसा मुझे लगता है. В качестве друга Индии на разных форумах вы хвалите нашу компанию, нашу программу «Делай в Индии», не только хвалите, вы предпринимаете конкретные шаги в этом направлении. И благодаря нашему партнерству индийская молодежь получает новые возможности, создаются новые рабочие места для них. Поэтому мы видим очень большие перспективы для развития нашего сотрудничества и тем самым развития нашей страны. И я полностью уверен, что в сфере производства нас ждет очень хорошие перспективы в будущем, и мы уже видим результаты, и мы продолжим работу в этом направлении. एक्सेलेंसी, वैसे तो हमारा ये जो द्विपक्षीय वार्ता का कार्यक्रम 25 साल से चल रहा है, 22 बार हम मिल चुके हैं, लेकिन शायद ये मीटिंग ऐसी है कि पूरे विश्व का ध्यान मेरी इस यात्रा पर केंद्रित हुआ है और पूरी विश्व इस यात्रा के भांति भांति के मीनिंग निकाल रहा है. Друг с другом связаны уже 25 лет, и мы проводим 22-й по счету двусторонний саммит. Но фокус мирового сообщества является, фокусом является вот мой нынешний визит. Весь мир смотрит на это с большим интересом. Кал, आपने मुझे अपने निवास स्थान पर बुलाया और एक सच्चे दोस्त के रूप में कल शाम हमने करीब 4-5 घंटे तक साथ रहे, अनेक विषयों पर हमने बातें की. और मुझे खुशी हुई कि यूक्रेन के विषय में हम दोनों अपने अपने विचार खुले मन से विस्तार से हम उसकी चर्चा कर पाए और बड़े आदर के साथ एक दूसरे के विचारों को
हमने सुनने समझने का प्रयास किया। И весь мир дает свое значение этому визиту, как они считают правильно. और इससे एक बात का पूरी दुनिया को, खासतौर से अमेरिका को इंतजार था कि भारत के प्रधानमंत्री जब रशिया गए हैं तो उन्होंने यूक्रेन के मुद्दे पर क्या कहा। और इसीलिए आपने देखा होगा अमेरिका ने यह कहा भी था कि यूक्रेन के मुद्दे को लेकर प्रेसिडेंट पुतिन से बातचीत की जानी चाहिए। और इस बात को लेकर प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि हमने अपनी बात कही, और उतनी ही स्पष्टता और खुले दिल के साथ प्रेसिडेंट पुतिन ने भी अपनी बात कही है, और अब इसका सकारात्मक नतीजा निकलना चाहिए।